विश्वं दर्पणदृश्यमानमजरी तुल्यं निरन्तरगतं यक्षात्ते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुते नमः श्रीदक्षिणामूर्ते संभोगे प्रलम्भे निर्भयमभयं पापिभूतो रसानां विक्षेपे वा समाधो विवरणनिपुणा ब्रह्मविद्यैव नूनम् इत्थं लोकैरशोकैरनुपदमधिकं भाव्यमानो वधूतः श्रीपूर्णानन्दतीर्थः पथि पथि पथिकान् नन्दयन् वं प्रमीति जी। ये जो हमारा ज्ञान इंद्रियों के द्वारा अवतीर्ण हो जाता है, बिखर जाता है, उसको जब हम इंद्रियों को जगह जगह जाने से रोक लेंगे, समेट लेंगे, तब ज्ञानम नावक युद्धी पर तब हमारा ज्ञान बिखरेगा नहीं, और जब बिखरेगा नहीं तब वो एकाग्र होकर के अपने लक्ष्य में लगेगा। दिन भर में 50 बात सुनते हैं, सैकड़ों चीज देखते हैं, सैकड़ों चीज छूते हैं, चखते हैं, सुनते हैं, हमारा मन दुनिया में फैलता रहता है, तो ये किस रास्ते से जाता है? इंद्रियों के रास्ते से, इंद्रियों को समेट के रखना चाहिए। तो ये बाहरी रूप से भी ये साधना होती है, जैसे साधुओं के चलने का वर्णन है, तो चार हाथ से आगे न देखे, ऐसा वर्णन है, देखना है तो जब चल रहा है तो अपने आगे चार हाथ तक देखे, वो दूर कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है ये देखने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, यात्रा कर रहा हो तो योजनात न परंग अच्छे, चार कोस से अधिक नहीं चले, नहीं तो थक जाएगा, फिर ध्यान भजन उसका सब टूट जाएगा। योजनात न परंग अच्छे, कोई आवे तो स्वागत के लिए अपनी वाणी का प्रयोग न करे, कोई जाए तो उसको रोकने के लिए का प्रयास न करे। आगच्छ गच्छ तिष्ठेति, आइए जाइए ठहरिए, स्वागतम सुहृदो विवाह सम्माननम च न भूया, आवश्यकता से अधिक न हो। पश्वादि रिव वाणी होगा, पश्वादि रिव वाणी होगा, जैसे गाय बैल भैंस दिन भर आपस में बोलते नहीं रहते हैं, उनको जब जरूरत पड़ती है, बछड़े की जरूरत पड़ती है, प्यासे होते हैं, भूखे होते हैं, उस समय चिल्ला देते हैं, लेकिन वो आपस में बातचीत करने के लिए नहीं बोलते हैं। तो इन सब कामों से हमारी इंद्रियां इधर उधर भटकती, क्यों भटकते हैं? इसके मूल में राग द्वेष है। तो इनका भटकना यदि बंद करना हो तो इंद्रियार्थ में वैराग्य होना चाहिए। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन असक्तिरनभिश्वंग पुत्र दार गृहादिशु
नित्यं च समचित्तत्वं इष्टानिष्टोपपत्ति से मई चानन्य योगेनो भक्तिरव्यभिचारिणी। तो त्वं पदार्थ की प्रधानता से भी साधन होता है और तत् पदार्थ की प्रधानता से भी साधन होता है। पहले त्वं पदार्थ की प्रधानता से साधन का निरूपण करते हैं। इधर ही इंद्रियार्थेषु वैराग्य, इसमें आप ध्यान देकर देखोगे तो दो बात के लिए वैराग्य मुख्य रूप से बताया जाता है। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकारो, इसमें अर्थ शब्द जो है वो तो विषय का वाचक है। तो इंद्रियार्थेषु वैराग्यम में अर्थ से वैराग्य और वैराग्यम में रागद्वेष का परित्याग। तो चित्त में तो कामना न हो, ये काम का परित्याग है। और अर्थ जो है बाहर जो चीजें पड़ी हुई हैं उनकी ओर आकर्षण न हो। तो इंद्रियार्थेषु ये बाह्य का इशारा करता है और वैराग्यम जो है वो भीतर के काम का इशारा करता है। तो इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, अब एक सज्जन बैठे हो ध्यान करेंगे तो उनकी जो पोटली थी पैसे की नोट भरा हुआ, अब उधर उस पार रख दिया सड़क के और इस पार बैठ गए भजन करने। तो एक बार आंख खोल के देखे, मुंह से बोल रहे तुम्हें हो माता जो पिता तुम्हें हो, तो एक बार भगवान की ओर देखा तुम्हें हो माता जो पिता तुम्हें हो, दूसरी बार पोटली की ओर देखा तुम्हें हो माता जो पिता तुम्हें हो, तुम्हें हो बंधुष्ट सिखा तुम्हें हो। तो बाहर वस्तु में जब अपने राग द्वेष को अटका देते हैं तब अंतर्मुखता नहीं होती है। बाहर की चीज को पकड़ के रखते हैं, हाथ से तो किसी को पकड़े हुए हैं कि इसको छोड़ेंगे नहीं, और फिर कहते हैं हे मन तो भीतर आ जा। तो एक ओर तो तुम्हारा ही मन हाथ में बैठ करके उसको पकड़ता है कि ये छूटने न पावे, और दूसरी ओर तुम अपने मन से कहते हो कि इसको छोड़ दे। तो तुम्हारी शक्ति आधी आधी ही बट गई, आधी तो चली गई पकड़ने में और आधी कह रही है कि छोड़ दो। तो न इधर के हुए न उधर के हुए, धोबी का कुत्ता। मन क्या हो गया? धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। आत्मा में बैठने को कहो तो बैठेगा नहीं, क्योंकि अपने इष्ट देव तो वो बैठे हैं। और कहो कि अच्छा वहीं लगे रहो तो इसको छोड़ के वो जा नहीं सकते, सोने के लिए तो यहीं आना पड़ता है। तो न घर का न घाट का। इसलिए जब तक संसार में वैराग्य नहीं होगा तो वैराग्य माने राग द्वेष का अत्यंता भाव नहीं होता। यहाँ राग शब्द से द्वेष का भी दर्शन है, वो कल आपको सुना, क्योंकि ये तो मधु कैटभ है, दोनों साथ ही पैदा होते हैं साथ ही मरते हैं। ये कान की मैल है, माने दूसरों के बारे में सुन सुन के हम उस सुन से राग या द्वेष करते हैं। ये केवल सुन सुन के करते हैं। ये संसार में तो कुछ देखते हैं कुछ सुनते हैं और इंद्रियों का भी प्रयोग करते हैं, परंतु जो स्वर्ग नरक आदि हैं उनके बारे में तो सुन सुन के ही राग द्वेष होता है। नरक से जो द्वेष है और स्वर्ग से जो राग है वो केवल सुनने से ही है, और उसमें किसी दूसरी इंद्रिय का अनुभव नहीं है, सुन सुनते ही होता है। तो विष्णु कर्ण मनोभूत अंतुम ब्रह्मांड बुद्धियत, ये कान के मैल के रूप में पैदा हुए और हमारे अंतकरण में बैठे हुए जो ब्रह्मा जी हैं, उन्हीं का नाश करने के लिए ये उद्यत हैं।
कान की मैल और मारना चाहती है अंतकरण को, उसकी चोटी राग द्वेष अंतकरण में पैदा होते हैं, तो कान की मैल है और पैदा करती है राग द्वेष और उससे मर जाता है अंतकरण। अंतकरण को मारने के लिए ही ये उद्यत है, तो इनको ब्रह्मा नहीं मार सकते हो, इनको विष्णु मार सकते हैं। पर रहस्य ये है उसका कि जब ये खुद मरना चाहे तब मार सकते हैं। जब कहे कि हे विष्णु भगवान हमको बर दो, हमको बर दो, तो विष्णु भगवान बर मांगते हैं कि तुम लोग मर जाओ। तो जब स्वयं अपने मरने का वरदान मांगते हैं तब मरते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि जब राग द्वेष भीतर के जिस अंतकरण में है ना, वहीं जब उनको मारने की इच्छा होती है तब मरते हैं। जिस अंतकरण में राग द्वेष है, यदि वही अंतकरण न चाहे, वो विष्णु भगवान से प्रार्थना न करे, व्यापक दृष्टि विष्णु भगवान है ना उनसे आके युद्ध न करें और वे वरदान न माने कि हमें मार दो, तो उनकी मृत्यु नहीं हो सकती है। तो जीवन में होता है राग द्वेष की शिथिलता, क्योंकि ये पूर्व पूर्व संस्कार से भी होते हैं। तो जब कहीं राग नहीं होगा तो सुख लेने के लिए किसी का चिंतन नहीं करेंगे, और यदि कहीं द्वेष नहीं होगा तो ये कहीं हमें दुख न दे इस ढंग से उसका चिंतन नहीं करेंगे। तो मूल बात राग द्वेष की है, तयोर न वशम आगच्छेत तौ यस्य परिपन्थिनौ। अपने व्यवहार में राग के वशीभूत होकर हम पक्षपात न करें और द्वेष के वशीभूत होकर के किसी को हानि न पहुंचाएं, क्योंकि जलता तो अपना आप ही है। एक ग्रंथ ने ऐसे कहा कि एक सज्जन कहीं जा रहे थे तो देखा एक लोहार है, उसकी धौंकनी चल रही है, आग जल रही, कोयला लाल लाल हो रहा है, उसमें लोहा लाल लाल होकर जल रहा है। देखते देखते आ गया उसको क्रोध किसी कारण से, तो दौड़ के उसने वो लोहे का जो गोला था वही उठाया कि जिस पर क्रोध आया है हम उसको मारेंगे। जब लोहे का गोला जलता हुआ उठाए के फेंका तो जिस पर फेंका वो तो बच गया और उसका हाथ जो है वो जल गया। लाल गोला फेंकना जो चाहता था ना, जो दूसरे को मारना चाहता था उसका हाथ तो जल गया ने? और जिसको वो मारना चाहता था वो बच गया। तो ये आग है, द्वेष जो है जीवन में आग है, और ये जिसके दिल में लगती है आग, आग जिस लकड़ी में लगती है वही लकड़ी जलती है कि नहीं? इसको बोलते हैं संस्कृत में आश्रयास, आश्रयम अश्नाति। जहां आग रहेगी उसको जलावेगी, तो जहां द्वेष रहेगा वहां जलावेगा। अब इसमें एक विघ्न आता है राग द्वेष मिटाने में, वैराग्य में विघ्न क्या है? ये वैरागी लोग जो है उनको थोड़ा अपने बड़प्पन का अभिमान होता है। बोले ये गृहस्थ संसार में फंसे हुए ये हमारी बराबरी क्या करेंगे? तो इस साधु लोगों को थोड़ा त्याग वैराग होता है तो वो समझते हैं कि हमारे जैसा और कोई नहीं है। वो तो धर्म व्याज के उपाख्यान में सब आता ही है, कहीं चिड़िया मर गई उनकी नजर से तो औरत को मारने को तैयार हो गया तो उसने मुंह सर ही टांग दिया आसमान में। अरे भाई, ये जो हम विरक्त होने के कारण बड़े हैं, ये जो मन में अभिमान है ये वैराग्य में न्यूनता के कारण है, क्योंकि राग द्वेष न होने पर भी अपने शरीर के प्रति मोह तो है ही, मोह भी बड़ा भारी दोष है। तो मोह के कारण क्यों हो, हम तो बड़े वैराग्यवान हैं, हमारे न राग है न द्वेष है, अहंकार करके बैठ गए।
तो धन का अहंकार दूसरा और भोग का अहंकार दूसरा है, विद्या का अहंकार दूसरा है, हुकूमत का अहंकार दूसरा है, परंतु सबसे बुरा जो अहंकार का रूप है और बहुत सूक्ष्म, तो ये होता है कि जब आदमी सोचने लगता है कि औरों को तो अभिमान है, रागी है, द्वेषी है, मोही है और बड़े अभिमानी है, और मैं एक ऐसा हूं कि मुझे किसी बात का अभिमान नहीं है। तो पहले तो विद्या का अभिमान था, धन का अभिमान था, तो भाई आपको किसका अभिमान है, है? बोले निराभिमानता का अभिमान है, है? ये जो हम अभिमान, ये सारे अभिमानी हैं और हम निराभिमान हैं, हमारे बराबर कौन होता है? तो ये दूसरों को अभिमानी और अपने को निराभिमान समझना जो है, ये अभिमान का बड़ा सूक्ष्म रूप है ना, क्योंकि निराभिमानता भी अंतःकरण की एक वृत्ति है और उसको लेकर के अभिमानी बन गए कि मैं तो निराभिमान हूं। पर इसके लिए फिर बहुत प्रयास करना पड़ता है कि ये वैराग्य, ये राग द्वेष, ये मोह की जो निवृत्ति है ये सच्ची हो गई, तो इसके लिए विवेक कर, निरहंकार इसके लिए विवेक करना पड़ता है। यदि तुम खुद सोचो, दूसरे की बात मान लोगे, मान के बैरागी हो गए, अरे संसार में बड़ा दुख है रे, छोड़ दे, बाबा जी ने कह दिया है, और बाबू जी अपना कोट पैंट उतार के चले चल पड़े, बैरागी बैरागी हो गए, तो ये बैराग्य तो टिकाऊ नहीं है। जो सुन सुना के हुक्म मान के जो बैराग्य होता है वो समय पर काम नहीं देता है। स्वयं अपने विवेक से वैराग्य का उदय होना चाहिए। वैराग्य किसी का दिया हुआ नहीं होता है, अपने हृदय में जो विवेक होता है, दो रास्ते हैं उसके, एक तो भगवान कृपा करे तब वैराग्य आता है, बिना भगवान की कृपा के वैराग्य नहीं होता, और दूसरा बिना विवेक के वैराग्य नहीं होता। किसी से सुन सुना के कि संसार बहुत बुरा है, है? और कहीं पढ़ पढ़ा के और संसार को बुरा समझ के छोड़ देंगे तो आपका वैराग्य टिकाऊ नहीं होगा, आपका त्याग टिकाऊ नहीं होगा। उसके लिए स्वयं में विवेक होना चाहिए। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये हुआ विवेक संसार का। और इस विवेक का फल क्या है? असक्ति रणभिस्वंग पुत्रदार गृहादिशु, क्या स्थिति क्या है? नित्यंच समचित तत्वम इष्टानिष्टो उपत्तिषु, यहाँ तक चाहे इष्ट हो चाहे अनिष्ट, उसमें चित्त की समता जो है ये त्वम पदार्थ के विवेक का अंतिम परिणाम है। अब तत् पदार्थ की प्रधानता से बोलते हैं, पदार्थ माने मई चारण्य जोगे नो भक्तिरव्य विचारिणी, भगवान की भक्ति चाहिए, कैसी चाहिए? और उसमें अन्य योग व्यवच्छेद होना चाहिए। यदि भगवान से प्रेम करना है, भक्ति करनी है, ब्याह करना है, हैं? तो दूसरे के साथ प्रेम जोड़ के, हैं? दूसरे के साथ रिश्ता जोड़ के भगवान के साथ संबंध नहीं करना, अनन्य योग है। भगवान से ऐसा प्रेम करो कि वैसा प्रेम किसी दूसरे के साथ नहीं होता। कुछ तो भी विशेषता चाहिए ना, तुम्हारा प्रेम कहाँ है? प्रेम तो तुम्हारा बिखरा है, सबसे ज्यादा तो अपने शरीर में है, है? पुत्र में है, पत्नी में है, पति में है, भाई में है, मित्र में है, धन में है, विद्या में है, है? प्रेम तो बहुत फैल गया है। अब ये प्रेम तो महाराज प्रेम गली अति साकरी, हमें दोन समय, जब मैं था तब हरि नहीं, इसी से अनहंकार कहा ना, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना, प्रेम गली अति साकरी, तामे
पूर्ण समाप्त। प्रेम में अहंकार नहीं होता, ज्ञान में अहंकार नहीं होता। तो अहंकार के आश्रय से ही राग द्वेष मोह ये तीनों टिकते हैं। अब इतनी बात कल सुना।